संचार क्रांति के जनक युवाओं को 18 वर्ष की उम्र में मताधिकार दिलाने वाले विकास पुरुष पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 75वीं वर्षगांठ कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा धूमधाम से मनाई गई। राजीव गांधी चौराहा स्थित राजीव गांधी के प्रतिमा पर कांग्रेस नेताओं ने माल्यार्पण किया तथा राजीव गांधी अमर रहे और राजीव गांधी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने युवाओं से आशीर्वादी नेता राजीव गांधी के पदचिन्हों पर चलकर प्रदेश और देश के विकास को मजबूती प्रदान करने की बात कही। आज राजीव गांधी चौराहा स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण के दौरान मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री बाला बच्चन, तुलसीराम सिलावट, शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद टंडन, विनय वाकलीवार, राकेश सिंह यादव, सोहरा पटेल, राजेश यादव, मुकेश ठाकुर, दीपक सिंह राजपूत सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। बहुत बधाई देता हूं और आज अपने जीवन में संकल्प लेता हूं, जो उनका सोच था, उनकी विचार थी और उनका जो उद्देश्य था कि हमारे राष्ट्र का समग्र विकास सभी संभव है कि युवा शक्ति को आगे लाया जाए, इस उद्देश्य को हमको सबको देश के कोने कोने में लेके जाना है। युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं राजीव गांधी जी। उन्होंने पूरे भारत में जो इलेक्ट्रॉनिक की क्रांति है, कंप्यूटर की क्रांति है, आज जो मोबाइल हमारे हाथ में है वो राजीव गांधी जी की देन है। उनका एक सपना था 21वीं सदी में भारत को ले जाने का और उसको उन्होंने पूर्ण किया। आज जो युवा जिन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है, जिन गैजेट्स का इस्तेमाल कर रहा है, वो राजीव गांधी जी की देन रही है। दुर्भाग्य रहा कि उन्होंने कुछ ऐसे लोगों ने उनको असमय काल के काल में समा गए वो, नहीं तो आज देश हमारा पूरे विश्व में नंबर वन होता। आज उनके सिद्धांतों पर कांग्रेस के सारे लोग और देश के सारे युवा चलते हैं और आज उनकी जयंती पर नमन करने यहाँ आए थे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी जी की 75वीं जयंती है। हम सभी कांग्रेस जन मिलकर एकजुट होकर उनके बताए हुए रास्तों पर आज कांग्रेस पार्टी ने एक संकल्प लिया है कि उनके बताए हुए रास्तों को आगे बढ़ाएं और जो देश में उन्होंने हरित क्रांति के रूप में मोबाइल और टेक्नोलॉजी के रूप में जो कार्य किए थे आज पूरा देश उसको मान रहा है। और जो पार्टियां पहले चीज़ों का विरोध करती थी आज वो सब इलेक्ट्रॉनिक युग में शामिल है और ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी की देन है। और इसके साथ साथ 18 साल की आयु में मताधिकार का उपयोग करना और इसके साथ पंचायती राज को सशक्त बनाना, ये हमारे राजीव गांधी जी की देन थी। हम सभी आज उनको नमन करते हैं। आज उनकी 75वीं जयंती पर हम सभी जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उनको नमन करते हैं। हमारा पिछड़ा वर्ग कांग्रेस कमेटी, शहर कांग्रेस कमेटी, आदरणीय विनय वाकलीवाल जी की ओर से, राजेश चौकसे जी की ओर से, के यादव जी की ओर से, राकेश सिंह यादव जी की ओर से, रमेश उस्ताद जी की ओर से 75वें जन्मदिन पर हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। जो क्रांति लाए थे 21वीं सदी का, जो सपना देखा था माननीय श्री स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने, आज उन सपनों को साकार करने के लिए माननीय हमारे प्रदेश में श्री कमलनाथ जी ने जो बीड़ा उठाया है, वो बीड़ा आज राजीव गांधी जी के सपने को साकार करने के लिए माननीय कमलनाथ जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और सारे युवा लोग जो 18 वर्ष की उम्र में जिन्होंने वोट का अधिकार दिया था, ऐसे माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी को हम सशक्त नमन करते हैं। आदरणीय राजीव गांधी जी ने जो पिछड़ा वर्ग के लिए जो काम किया था, हम पिछड़ा वर्ग के सभी समाज की ओर से आदरणीय राजीव गांधी जी को हम सशक्त नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। और आज जो यहाँ सब युवा लोग इकट्ठे हुए हैं, उस युवाओं को मैं यही प्रेरणा दूंगा कि राजीव गांधी जी के पद चिन्हों पर चले और राजीव गांधी जी की जो योजनाएं, जो उनकी भावनाएं थी सेवा करने की, उन सेवाओं को वो तत्पर रहें, सेवा करें।